सतना में मतगणना के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतगणना स्थल के पास 3 जून से ही धारा 144 लागू हो जाएगी और 142 टेबल के माध्यम से 109 चक्रों में काउंटिंग पूरी होगी। सतना लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में पड़े वोटों की गिनती 4 जून की सुबह 8 बजे शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यंकट क्रमांक 1 में आयोजित की जाएगी। मतगणना की तैयारियां लगभग अंतिम दौर में हैं। मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतगणना की तैयारियों और व्यवस्थाओं से जुड़ी जानकारी मीडिया के साथ भी साझा की। इस दौरान एसपी आशुतोष गुप्ता भी यहां मौजूद रहे। इस दौरान कलेक्टर और एसपी ने बताया कि सतना में पूरे एहतियात के साथ सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त के साथ मतगणना कराई जाएगी। मोबाइल फोन, पान, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी और नशीले पदार्थ मतगणना केंद्र में नहीं जाएंगे। मतगणना परिसर और प्रवेश द्वार पर पुलिस बल की तैनाती होगी। स्ट्रांग रूम से मतगणना कक्ष तक के रास्ते सीसीटीवी कैमरों से चुस्त दुरुस्त रहेंगे। सभी सातों विधानसभा की मतगणना 8 बजे पोस्टल बैलेट के साथ में स्टार्ट होगी और 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग स्टार्ट होगी। हमारी 7 में से 5 विधानसभाओं में 18 टेबल और 2 विधानसभाओं में 20 टेबल। जो ईवीएम की काउंटिंग का राउंड है वो 8:30 से स्टार्ट होगा, लगभग 9 बजे के आसपास पहले कौन से मतलब 8 बजे से पोस्टल बैलेट की काउंटिंग स्टार्ट होगी, फिर वो प्रक्रिया पैरेलल चलती रहेगी और 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग स्टार्ट होगी। सुरक्षा के लिए 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था रहती है। सबसे पहली सुरक्षा व्यवस्था जो गेट पर रहती है, उसके बाद बिल्डिंग के एंट्रेंस पर और फिर कमरा जो काउंटिंग हॉल है उसके एंट्रेंस पर रहती है। तो लगातार सुरक्षा व्यवस्था 4-4 रहेगी और जो भी अनाधिकृत व्यक्ति कोई भी परिसर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं उसमें लोगों को सीसीटीवी से सभी कमरे सीसीटीवी से कवर्ड हैं। जहाँ पर काउंटिंग होनी है उसके अलावा अपने स्ट्रांग रूम बने हुए वो ऑलरेडी सीसीटीवी से कवर्ड है और स्ट्रांग रूम से लेकर के काउंटिंग हॉल तक लाने का जो भी मार्ग है वो सभी सीसीटीवी से कवर्ड है।